today we'll be learning how to strum using your fingernail instead of a pick. कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम फिंगरनेल से स्ट्रमिंग करें या हम पिक से प्ले करें, तो उसके लिए सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको फिंगर स्टाइल सीखना है तो यस, आपको सीखना पड़ेगा फिंगरनेल से स्ट्रमिंग करना, पर अगर आपको सिंगिंग के लिए गिटार सीखना है या आपको लीड्स प्ले करना सीखना है तो आपको फिंगरनेल से प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको फिंगर स्टाइल सीखना आगे जाके, सो दिस लेसन इज फॉर यू, स्टे हियर, डोंट गो एनीवेयर. दिस इज द शेप ऑफ माय फिंगरनेल. As you can see, it's like this. आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से आप पिक से प्ले करते हो वैसे ही करना है. इसके लिए आपको इंडेक्स फिंगर नेल चाहिए. इंडेक्स फिंगर नेल से हम प्ले करते हैं. ओके, तो आपको शेप कैसे रखनी है, जैसे ये इंडेक्स फिंगर है, इस तरह से आपको यहाँ से प्ले करना है. इधर आपका थंब आएगा, जस्ट थोड़ा सा एरिया छोड़ना है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा एरिया, और इतना दूर नहीं रखना, थोड़ा बिल्कुल इसके पास रखना है, ऐसे दूर नहीं रखना. ओके, सो यहाँ पे बिल्कुल कोने में रखना है, जैसा आपका नेल थोड़ा सा हो दिख रहा है जैसे यहाँ पे, और उससे आपको स्ट्रम करना है. ओके, चलिए अब हम प्ले करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज द शेप. सो यहाँ पे ये पिक जैसा है, जिस तरह से पिक को पकड़ते हैं, पिक को भी ऐसे ही पकड़ते हैं ना, तो उसी तरह. सो आपको क्या करना है, प्ले करना है. Doing like this. अब ये बिल्कुल पिक की तरह बन गई, यहाँ से थोड़ा सा नेल है और बस आपको उससे क्या है, थोड़े से इस नेल से आपको प्ले करना है. ठीक है, तो आपको प्ले कैसे करना है, पहले आप ब्राउन स्ट्रम से स्टार्ट करो. मेरा ध्यान, हाथ ध्यान से देखो मैं कैसे जा रही हूँ, तो मेरा नेल जो है वो इस साइड से टच हो रहा है गिटार को, इस साइड से. ओके, डाउन जाते हुए, अब जाते हुए देखते हैं, अब जाते हुए इस साइड से. ओके, सो डाउन जाते हुए इस साइड से, अब जाते हुए इस साइड. मेरी फिंगर ऐसे, मेरा हैंड ऐसे ऐसे नहीं हिल रहा. ठीक है, मेरा हैंड थोड़ा ऐसे ऐसे है, एंड जस्ट लाइट मूवमेंट इन माई रिस्ट एंड मोर ओवर लाइक माई एल्बो इज मूविंग. तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी एल्बो थोड़ा मूव कर रही है, मतलब एल्बो के एरिया से मैं मूव कर रही हूँ. फोर आर्म के साथ मेरा हैंड जो है पूरा मूव कर रहा है, और हल्का हल्का रिस्ट में बस ऐसे ऐसे है, लाइक थोड़ा सा वेव है रिस्ट में, बट इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं सिर्फ रिस्ट से मूव कर रही हूँ. नो, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी रिस्ट हल्की हल्की ऐसे मूव कर रही है और बाकी मेरी एल्बो जा रही है. सो आपको सिर्फ रिस्ट से मूव नहीं करना, लाइक ऐसे 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 ऐसे, नो, दैट्स लाइक यू आर मूविंग विद योर एल्बो एंड लाइट मूवमेंट इन योर रिस्ट. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. और मैंने आपको बता दिया कि किस साइड से नेल टच कर रहा है मेरा, इस साइड से डाउन के लिए, इस साइड से अप के लिए. अब बाकी है प्रैक्टिस. सी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे. सो आपको अगर आप एक हफ्ता भी डेली, एक हफ्ता हर दिन आधा घंटे भी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक हफ्ता में सीख जाओगे. इनफैक्ट उससे भी जल्दी सीख सकते हो क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है. सो पहले आपने डाउन स्ट्रोक्स करने हैं, डाउन डाउन, जब आपको लगे कि आपके डाउन स्ट्रोक्स जो हैं बिल्कुल स्मूद हो गए हैं, उसके बाद आप अप स्ट्रोक में आना. ओके, बिल्कुल नाइस साउंड आनी चाहिए, सॉफ्ट बट स्टिल ब्राइट. अब आप करते हैं, आई थिंक मेरा गिटार ट्यून नहीं है. अब जाते हैं, हमारा हाथ ऐसे होता है थोड़ा, डाउन जाते हैं सॉरी, और अब जाते हैं थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर गिटार वैसे मूवमेंट से. आई होप सो आपको समझ में आ गया. एंड ऑल्सो इस वीक के एंड में संडे को मैं अपनी क्लासेस के बारे में अनाउंस करने वाली हूँ, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.